यूक्रेन के शहरों पर 22वें दिन भी रूस की बमबारी जारी। आइए देख लेते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी कुछ खास खबरें। नमस्कार, मैं हूं निशा मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। पुतिन ने कहा योजना के मुताबिक जारी है ऑपरेशन। यूक्रेन के मेलितोपोल के मेयर को रूस ने किया आजाद, रिहा के बदले जेलेंस्की को चुकानी पड़ी भारी कीमत। खार्किव में रूसी धमाके में लोकल स्कूल और कम्युनिटी हॉल सेंटर तबाह। रूसी विमानों और मिसाइलों का काल बनेंगे कॉमिकीज ड्रोन। आधुनिक तकनीक से लैश होगा ये ड्रोन। आईसीजे के फैसले के बाद अमेरिका की अपील, यूक्रेन के अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोके रूस। जंग की तबाही के बीच बोले पोप फ्रांसिस, राजनीति नहीं शांति कायम करने की जरूरत। रूस के हमले से धधक रही है यूक्रेन की राजधानी कीव। पुतिन की सख्त चेतावनी ने बढ़ाई है नेटो की बेचैनी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को देंगे हथियार और कहा कि आर्थिक तौर पर रूस को कर देंगे बर्बाद। आईओसी ने भारी छूट पर रूस से खरीदा कच्चा तेल, प्रतिबंध लगने के बाद पहली खरीद। एशिया प्रशांत देशों में रूस यूक्रेन संकट का सबसे ज्यादा असर भारत पर, एएनपी ग्लोबल रेटिंग ने जताई चिंता। अमेरिका का दावा, यूक्रेन युद्ध में मारे गए 7,000 रूसी सैनिक। यूक्रेन के मेलितोपोल के मेयर को रूस ने किया रिहा। जेलेंस्की बोले रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताया। फिलहाल वॉर अपडेट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।